नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास यादव। आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज। जौनपुर जनपद का उभरता जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव का चयन राष्ट्रमंडल खेल व विश्व चैंपियनशिप के लिए हुआ है। उसकी इस सफलता के लिए गांव के अगल बगल के लोगों में सहित जनपद के लोगों में खुशी का माहौल है। जौनपुर जनपद के मीरगंज के अदारी डभिया निवासी जेवलिन थ्रोवर रोहित यादव के राष्ट्रमंडल खेल व विश्व चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने पर गांव में खुशी का माहौल है। उसके चाहने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें, 11 जून 2022 को चेन्नई में खेली गई इंटर स्टेट चैंपियनशिप में रोहित ने 82.54 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक के साथ 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में खेली जा रही राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर लिया है। जबकि जेवलिन थ्रोवर में उसकी विश्व रैंकिंग 22वीं होने की वजह से उसे 15 से 24 जुलाई तक अमेरिका में खेले जा रहे विश्व चैंपियनशिप में भी खेलने की अर्हता मिल गई है। उसके दोनों प्रतियोगिता में क्वालिफाई होने पर गांव में खुशी का माहौल है। उसके शुभचिंतक उसके पिता सभाजीत यादव को फ़ोन पर बधाई दे रहे हैं। रोहित को भी लोग बधाई दे रहे हैं। मीरगंज थाना के अदारी डबिया गांव निवासी मैराथन धावक सभाजीत यादव का दूसरे नंबर का पुत्र रोहित उस समय सुर्खियों में आया था जब वह 2015 में विश्व स्कूल गेम चैंपियनशिप में तुर्की में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन प्रतिदिन वह नया आयाम स्थापित करता रहा, इसीलिए यूपी सरकार ने उसे पुरस्कृत भी कर चुकी है। उसकी इसी सफलता को देखते हुए बरेका वाराणसी ने वरिष्ठ लिपिक के पद पर 2020 में नौकरी भी दे दी, जिसके बाद उसके खेल में और निखार आया। काफ़ी शांत रहने वाला रोहित यादव सिर्फ अपने खेलों पर ध्यान देता है। इस समय वह पटियाला में प्रैक्टिस कर रहा है। जब गांव आता है तो वहां भी प्रैक्टिस में जुटा रहता है। रोहित यादव ने जौनपुर कवरेज न्यूज़ से हुई बातचीत में बताया कि उसके लिए यह गौरव की बात है। उसका सपना ओलंपिक खेलना है, पर राष्ट्रमंडल व विश्व चैंपियनशिप में भी उसे पदक जीतने की उम्मीद है। उसका कहना है कि वह अपने चाहने वालों को निराश नहीं करेगा, पदक जीतने के लिए पूरा जोर लगा देगा। ऐसी अन्य खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।